बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 40, क्लास 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिफ्यूजन। आज हम डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन की, हाउ वी कैन डिफाइन इट। सो बेसिकली डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जिसे हम कहते हैं अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ऐसी मूवमेंट को हम डिफ्यूजन का नेम दे देते हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, जिसे हम अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, डैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस देखते हैं। डिफ्यूजन इज एन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल्स एज वेल एज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर मूवमेंट के लिए और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट के लिए इट इज़ एन प्रिंसिपल मेथड है डिफ्यूजन, जिसके थ्रू सेल के अंदर जो है मूवमेंट होती है, यानी कि सब्सटेंस सेल के अंदर मूव करते हैं और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ये भी डिफ्यूजन की हेल्प से, डिफ्यूजन की मदद से ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज कैन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ये भी जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स, लंग्स और गिल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। जो हमारे अंदर जो लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, लंग्स के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो भी किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। इसके अलावा डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारे पास एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब देखते हैं व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर इनर्जी जो है हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, देयर इज़ नो नीड ऑफ इनर्जी। डैट्स वाई वी कैन से डैट डिफ्यूजन इज़ एन पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो इनर्जी इज़ यूज्ड इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम। अब बेसिकली कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्रीली सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस नहीं कर सकते, यानी सेल मेम्ब्रेन को फ्रीली क्रॉस नहीं करेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल्स, सच मॉलिक्यूल्स शो मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल थ्रू प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहा जाता है, उनके साथ अटैच होकर सेल के अंदर मूवमेंट शो करते हैं। अब इस तरह की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन को हम क्या नेम दे देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर प्रॉपरली हम इसको डिफाइन करें, व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, मूव्स अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को मूव कराती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर मूव करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस के साथ अटैच होकर मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल के अंदर मूव करते हैं। अब बेसिक डिफरेंट क्या है डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन के अंदर कोई भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं थे, इजीली जो मूवमेंट थी वो हो रही थी विद इन सेल थ्रू मेम्ब्रेन। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है कि प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व है, जिसके साथ अटैच करके सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, डैट इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज़ आल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये भी हमारे पास एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एंड व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, द मूवमेंट, द टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच नो एनर्जी इज़ यूज्ड, एज वी नो डैट कि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी और डिफ्यूजन भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनर्जी अकर, एनर्जी का कुछ भी उसमें यूज़ नहीं होता। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। होप सो कि आपको होल लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और लेक्चर, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।